हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जियो लोकेशन पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, मैप के अंदर हमने मैप व्यू भी देखा था, मैप हमने लगा के देखा था। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक हमने सर्च वाला देखा था, प्लेसेस वाला, जहाँ पे ऑटो कम्प्लीट वाला प्लेस सर्च का जो ऑप्शन था वो हमने देखा था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जियो लोकेशन से अपनी करेंट लोकेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्ट नेटिव जियो लोकेशन सर्विसेज, ये पैकेज हमें यूज करना है। तो हमें यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके हम अपने डायरेक्टरी पे जाते हैं और वहाँ जाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये पैकेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हमारी लोकेशन वाली परमिशन है, तीन परमिशन हम यूज करने वाले हैं, एक्सेस फाइंड लोकेशन, एक्सेस कोर्स लोकेशन एंड थर्ड वन जो है बैकग्राउंड लोकेशन वाली, वो तीनों पे हमें अपनी मैनिफेस्ट के अंदर डालनी पड़ेगी अगर हम एंड्रॉयड के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ जाएँ तो अभी आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से इम्पोर्ट करना है, और जस्ट ये जियो लोकेशन का ये गेट करंट पोजिशन का हमारा ये फंक्शन होता है, जो हमें एक रिटर्न करता है, क्या एक पोजिशन रिटर्न करता है जिसके अंदर हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं क्या है, थोड़ा सा मैनिफेस्ट के अंदर परमिशंस वगैरह डाल देते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्या, रिएक्ट नेटिव परमिशंस, रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड परमिशंस। ठीक है, एंड्रॉयड परमिशंस, जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ प्री रिटर्न कोड भी मिल जाता है, कौन सा, जिसमें परमिशंस का कोड मिल जाता है फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। तो हम ये से कॉपी कर सकते हैं और अपनी परमिशंस के साथ इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कोड नहीं है जिसे आप एक एक लाइन करके लिखो। ठीक है, इसे हम कॉपी करते हैं और अपनी जो हमारी ऐप डॉट जे एस वाली फाइल है यहाँ पे जाके हम इसको इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, इनकी परमिशन कैमरा की यहाँ पे डाल रखी थी पहले से, तो मैं कैमरा की जगह पे एक्सेस एक्सेस फाइन लोकेशन से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी ये थोड़ा सा ये डिटेल है, इसको ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये तो फॉर्मेलिटी वाली डिटेल है, आप चेंज करना चाहो कर देना, क्योंकि मैं तो जस्ट ऐसे ही डाल रखी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे यू कैन यूज लोकेशन में कर दे रहा हूँ, बाकी जहाँ जहाँ कैमरा है आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, लोकेशन परमिशन डिनाइड, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी हम क्या करेंगे, ये वाला कोड रन करेंगे और हमें करेंट पोजिशन मिल जाएगी, इस तरीके से हम चलने वाले हैं। तो मान लो ये जो रिक्वेस्ट परमिशन है, इसके लिए हम मान लो यहाँ पे ये हमारा मैप व्यू लगा रखा है पहले से मैंने। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये मैप व्यू हमारा पहले से लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई हमारी जो भी करेंट लोकेशन आए वो हमारे मैप में भी दिख जाए, इस तरीके से हम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस कोड को सबसे पहले इस स्क्रीन पे आए रिक्वेस्ट परमिशन वाला कोड चलना चाहिए, है ना। तो यूज यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ मैंने ये कंडीशन इस तरीके से डाल दी, जब भी मैं यहाँ पे आऊँ सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट परमिशन वाला कोड चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी मान लो ये कोड यहाँ पे है और हमने अभी परमिशंस कहाँ ऐड नहीं करी है, मैनिफेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट में ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैनिफेस्ट में चलते हैं अपने कोड के, ये रहा, यहाँ पे देखो इंटरनेट की परमिशन ऑलरेडी है, तो हमें ये वाली परमिशन लाइन वाली कॉपी करनी है और तीन बार पेस्ट करनी है, क्योंकि तीन परमिशन ऐड करने वाले हैं। पहली परमिशन हमारी एक्सेस फाइल लोकेशन है, तो इसको रिप्लेस कर दो इससे इंटरनेट से। दूसरी एक्सेस कोर्स लोकेशन है, इसको यहाँ पे चेंज कर दो। और थर्ड वन जो है हमारी एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड के अपग्रेड वर्जन में ये बैकग्राउंड लोकेशन बहुत मस्ट है, इसको हमें अच्छे से सेव करना है। तीनों को सेव कर लिया हमने, सेव करने के बाद आपको क्या है, एप्लीकेशन को फिर से एक बार रन करना है, जिससे नेटिव है तो नेटिव जब ही रिफ्रेश होगा जब हम इसे दोबारा से रन करेंगे। तो हमने यहाँ पे रन करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा रन होने में। अब हमें कोशिश ये करनी है कि जब भी हमारा ये ऐप मतलब स्क्रीन, इस स्क्रीन को जैसे ही ओपन स्क्रीन हो सबसे पहले परमिशन पूछे, परमिशन हम जैसे ही ग्रांटेड कर दें हमारी करंट लोकेशन निकल आए और हमारी मैप पे दिख जाए, इस तरीके से हम करने वाले हैं ना। तो मान लो हमारे जैसे हमने इसको रन किया, देखो हमारे पास पहले ही डायलॉग आ गया भैया कि आप एक्सेस दे दो लोकेशन का। मैंने कहा चलो ठीक है ना, वाइल यूजिंग दिस ऐप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास परमिशन आ गई, परमिशन आ गई। अब मैंने कहा चलो एक काम करो मेरी लोकेशन दिखा दो, तो मैं एक राइट साइड में मेरे करंट लोकेशन का एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, यहीं पे जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरे मैप के अंदर मेरी करंट लोकेशन दिख जानी चाहिए, इस तरीके से।
यहाँ पे एक फंक्शन और बना देता हूँ, क्या कॉन्स्ट गेट लोकेशन, आप उसको यूज फैक्ट के अंदर भी डाल सकते हो, जैसे हमारा वहाँ पे है उन्होंने दे रखा है, ठीक है वहाँ पे भी डाल सकते हो। और मैं डायरेक्टली बटन क्लिक पे लगा रहा हूँ इसलिए, ठीक है अदरवाइज आप इसे ऑटो भी कर सकते हो। तो ये वाला कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसके अंदर डाल दूंगा भाई। तो सेव कर लिया मैंने, जियो लोकेशन को कर लेंगे हम क्या, एक बार जियो जियो लोकेशन। आई थिंक मैंने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है, पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है तो अब ये जियो लोकेशन हमें मिल गया। अब यहाँ पे जो हम बटन बना रहे हैं, तो बटन को यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ मैंने बनाया है इसको, थोड़ा सा यूआई दे देते हैं, विथ 50 हाइट 50, या फिर एक काम करते हैं इसको 100% कर देते हैं, विथ 90%। ठीक है अलाइन सेल्फ सेंटर पोजीशन, बॉटम में बनाना है मुझे, तो एब्सोल्यूट और बॉटम 20, और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ये पे हमें बटन मिल गया यहाँ पे, ठीक है इस बटन के अंदर हम एक टेक्स्ट डाल देंगे, क्या गेट करेंट लोकेशन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है टेक्स्ट का कलर वाइट कर दो, ठीक है। अब इस बटन में जब भी हम क्लिक करें हमारा कोड चलना चाहिए, तो इसे ऑन प्रेस लगा दो, इस पे ऑन प्रेस गेट लोकेशन। अब गेट लोकेशन में एक्चुअल में यहाँ पे हम जब इसको देखते हैं, यहाँ पे तो देखो जब हम क्लिक करेंगे इस पे, क्लिक हो रहा है या नहीं, हाँ देखो आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग जाता है लोकेशन को, ठीक है। तो दो बार मैंने क्लिक किया तो दो बार हमारी लोकेशन आ गई, देखो एक बार मैं क्लिक करता हूँ वो देखते हैं कितना टाइम लगता है, देखो आ गया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो हमारे पास देखो ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं जिसके अंदर हमारा यहाँ पे देखो अल्टीट्यूड भी है, एक्यूरेसी, ये देखो सारी चीज़ें इसके अंदर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमें मैप पे एक्चुअल में दिखाना होगा कहाँ पे, मार्कर की हेल्प से। अब इसके अंदर हमें मार्कर ऐड करने होंगे, है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट ले लेता हूँ और स्टेट के अंदर जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं लेट लोग उनको सेव करा लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है कॉन्स्ट लेट, एम लेट कर देते हैं, एम लेट सेट एम लेट यूज स्टेट स्टार्टिंग में 0, ठीक है, और कॉन्स्ट एम लॉन्ग सेट एम लॉन्ग यूज स्टेट स्टार्टिंग में 0, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं इसमें, यहाँ पे हम सेट एम लेट के अंदर जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उस डेटा में से अगर हम निकालें, तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड, ये तो हमारे लैटिट्यूड हो गया भैया, ठीक है सेम कॉपी करो पेस्ट करो लॉन्ग, और इसमें हमें क्या चेंज करना है लॉन्गिट्यूड, यहाँ लॉन्गिट्यूड ठीक है। अब ये हमारे दोनों चेंज कर दिया हमने, अब जो हमारे पास आ रहे हैं ये हमने गेट करा, मैप के अंदर जो हमारा मैप व्यू है इसके अंदर हमें मार्कर्स लगाने होंगे। तो यहाँ पे आप मार्कर को कर लो, क्या मार्कर को इम्पोर्ट कर लो रिएक्ट नेटिव मैप से, ठीक है। मार्कर क्या लेता है, ये लेता है कोऑर्डिनेट्स भाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कोऑर्डिनेट इस तरीके से, एक बार मैं इसका मार्कर का कोड चेक कर लें कि जो कीज़ हैं एक्चुअल में कीज़ क्या हैं रिएक्ट नेटिव मैप के अंदर। तो यहाँ पे हम चलते हैं रिएक्ट नेटिव मैप, ठीक है, इसके अंदर मार्कर्स वाला कोड एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यार जरा शायद हमारी की थोड़ी बहुत मिसमैच हो रही है। तो मार्कर ये रहा,
देखो ये कोऑर्डिनेट्स लेता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट लैट लॉन्ग, तो एक बार मैं कोड इसका चेक करता हूँ, ऐसे डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे देखो इन्होंने मार्कर लगाना बताया होगा, ये रहा मार्कर, ठीक है। ओके इस तरीके से ये है कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये हमें लेना है एक्चुअल में। तो यहाँ पे चलते हैं अपने कोड के अंदर और अपने कोड में जाके इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, ठीक, पूरा ये हटा दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक। अब ये लैटिट्यूड हमारा क्या है, एम लैट है ना, तो एम लैट और एम लॉन्ग, ठीक है, इसको हमें करना है सेव। और अरे इसको देखते हैं, ठीक है, इसको सेव करा और इसको हमने सेव तो कर दिया, देखते हैं इसको मैं दोबारा से गेट करता हूँ कहाँ पे है एक्चुअल में, क्योंकि मेरी लोकेशन कुछ और है, ये मार्कर कहीं और देख रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली जो अभी इनकी इनिशियल है ना वो दिल्ली है, जो इनिशियल मैंने कंडी डाल रखी है मैप के अंदर लोकेशन वो दिल्ली है, और मेरा लोकेशन जो है वो दिल्ली नहीं है, कहीं और है, इसलिए हमें अपनी लोकेशन पे जाके देखना पड़ेगा। तो भैया मार्कर ये रहा दिख रहा, ठीक है, एक मार्कर हमारा यहाँ दिख रहा है, ये वाला मेरी लोकेशन, ठीक है, तो एक मार्कर हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब एक्चुअल में क्या है कि वो लोकेशन हमारी अलग है और हम गेट करेंट लोकेशन अलग है मेरी, इस तरीके से मार्कर सेट कर सकते हैं करेंट लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगा, बट इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम दो मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन में मार्कर दिखाएं, बीच में हमें पॉली लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी स्मूथ वाली डायरेक्शन एपीआई के साथ, तो वो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।